विराट के बघेली समाचार में अपना पंचिन के स्वागत है। हम हैं अपना पंचिन के साथ स्वाति। खबर रीवा जिले से ही, जहां चुराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास में हृदय विदारक घटना घटी है। अपना पंचिन का बताए दी कि ट्रांसफार्मर लोड ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर भई है, जिसके कारण कार में आगी लग गई। बताए दी कि कार में दो लोग रहे, जिन खर जले के कारण मौत हुई गए। घटना के पता लगते मौका मा कलेक्टर एसपी सहित थाना प्रभारी मौका मा पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आगी पर काबू पाई है। बतावा जात है कि यह घटना चोराहटा थाना क्षेत्र के बाईपास मा रात 1:30 बजे घटित भई है। जे के बाद मौका पर एफएसएल टीम के द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कीन गा। अपना पंचन का बताए दे कि कार उत्तर प्रदेश से रीवा दुआरी कई जात रही, जबकि ट्रक सतना से रीवा कई आवत रहा है। बता दें कि ट्रांसफार्मर में डाले गए तेल के कारण आगी भयानक रूप ले ली। बतावा जात है कि कार में सवार दो लड़कन के पहचान अमित अग्रवाल और अमित शुक्ला के रूप में भई। और बतावा यह हो जात है कि अमित शुक्ला तबला वादक रहे हैं। आई सुनी थी यह घटना का लय के एडिशनल एसपी का कहा थे। बाईपास पे लगभग 1:30 बजे रात्रि को एक कंट्रोल रूम को मैसेज आया था कि एक ट्रक और एक कार की आपस में भिड़ंत हो गई है और जिसमें उसमें आग लग गई है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। ये घटना स्थल चोराहटा थाना क्षेत्र का है और जैसे ही थाना प्रभारी ने सभी अधिकारियों को बताया, सभी यहाँ पहुँच गए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी थे और तत्काल जो है इसमें रेस्क्यू किया गया। उसमें फायर ब्रिगेड से बुझाने का प्रयास किया गया। क्योंकि ट्रक में ट्रांसफार्मर लोड है, उसमें आग लग गई थी, उसके आयल जल रहे थे, इसलिए लगातार जो है 3 घंटे तक उसमें आग लगी रही। और जो कार था उसमें एक ड्राइवर दिख रहा है जो अंदर जल गया है। अभी एफएसएल टीम जो है परीक्षण कर रही है, इसके बाद ही कहा जा सकेगा कि उसके अंदर कितने आदमी सवार थे कार में। ड्राइवर जो है एक्सीडेंट के बाद जो चक्षुदर्शी लोग हैं उन्होंने बताया है कि वो उतर के भाग गया है। अभी एफएसएल टीम लगी हुई है, वो अपना काम कर रही है, इसके बाद ही पता चलेगा कितने लोग और कैजुअलिटी। मतलब अभी एक ही समझ में आ रही है, अभी फिलहाल तो एक ही समझ में आ रही है। मऊगंज जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पन्नी गांव में इस समय बिजली नहीं आ। यही समस्या से परेशान हुई के गांव के रहे वाले रघुवंश द्विवेदी या समस्या का लेके गाना गाई है। अपना पंचन का बताए दे कि गाना मा शिवराज सिंह और मोदी के खूब बड़ाई करी है। और गाना मा यह कहीं के भाजपा के सरकार मा लोग तब बहुत खुश है, लेकिन अधिकारी कोनो समस्या नहीं सुनता है। या मेर के गाना बहुत बेर दूसरे खातिर गाए रहे हैं, जेकर सुनवाई भई ही। और अब यह गाना अपने खातिर गाए ही, जौन खूब वायरल होत लाग है। जय मोदी शिवराज आपकी जय होवे, जय मोदी शिवराज आपकी जय होवे, रखो हमारी लाज आपकी जय होवे, रखो हमारी लाज आपकी जय होवे। मऊगंज तहसील और थाना पन्नी मेरा गांव, ट्रांसफार्मर जला खड़ा है पटवा टोला ठाँ, देख कोई बदलाए आपकी जय होवे, अरे दे कोई बदलाए आपकी जय होवे, जय मोदी शिवराज आपकी जय होवे। चले न बोर मिले नहीं पानी, कैसे प्यास बुझाऊं, सूखे खेत किसानी चौपट कैसे फसल बचाऊं, चले न बोर मिले नहीं पानी कैसे प्यास बुझाऊं, सूखे खेत किसानी चौपट कैसे फसल बचाऊं,
अरे देख कोई प्यास बुझाए आपकी जय होवे, देख कोई प्यास बुझाए आपकी जय होवे। सुना है आपकी राज में कोई भूखा कभी न सोए, सुना है आपकी राज में कोई भूखा कभी न सोए। ट्रांसफार्मर जला खड़ा है अपना दुखड़ा रोए, ट्रांसफार्मर जला खड़ा है अपना दुखड़ा रोए। हाँ रखो हमारी लाज आपकी जय होवे, हे मोदी शिवराज आपकी जय होवे। खबर रीवा से ही, जहां चोरी चकारी मारपीट के घटना रुकए के नाम नहीं लेत ला गया। अपने बच्चे को बताई दी कि सेना के तैयारी करे वाले लड़का के मोबाइल लेके पल्सर सवार दुठे बदमाश भाग के। ये बताबा जात है कि यह लड़का तेंदुआ के रहने वाला आया और ओखर नाव विजय कुमार मिश्रा है और यह साइकिल से जात रहा है जब यह घटना ओखे साथ भई। सर मेरा विजय कुमार मिश्रा नाम। जी सर मेरा फोन चोरी हो गया, मैं यहाँ दौड़ कर जा रहा था अपने फील्ड से तेतुआ मोड़ के पास, जैसे कि सर तीन युवक खड़े थे वहाँ पास, मेरे पास आने लगे, मैं मोबाइल को जैसे ही अपने हाथ के पास लाने लगा वो मेरे हाथ से छुड़ा कर भाग गए। तीन लोग काली कलर की स्प्लेंडर प्लस गाड़ी थी। रीवा जिला में झूठा मामला दर्ज करे के खूब प्रचलन चल रहा है, जेके कारण पुलिस और प्रशासन दबाव में आए के झूठ मामला दर्ज कर देते है, जेकर परिणाम यह होते है कि थाना से लेके न्यायालय तक इस तरह के मामलन के भरमार लगी रहा थी। अब ताजा मामला आवा है बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से, जहां हरदी के निवासी शिवशंकर सेन बैकुंठपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके दुकान पहुंचे मनीष प्रजापति उनके काउंटर में रखा 25,000 रुपया लूट के लेके चले गए। घटना का गंभीरता से ले तो बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा अपने दल बल के साथ दबिश दहीन और मनीष प्रजापति का हिरासत में लेके पूछताछ की। पूछताछ में यह पता चला कि दोनों पक्ष में जमीनी विवाद चलत रहा है, जेके कारण यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई रही। जी हाँ, ये अभी सुबह 11 बजे के लगभग शिवशंकर सेन निवासी बड़ी हरदी थाने पे उपस्थित आया, बताया कि ये बार-बार की दुकान हरदी में चलाता है, वहाँ पे मनीष प्रजापति नाम का एक युवक उसकी दुकान पे बाल बनवाने के लिए आया, वो जहाँ पे कुछ 2-4 लोग पहले से बैठे हुए थे वेटिंग में बाल बनवाने के लिए, तो बोला कि टाइम लगेगा बाल बनने में, तो वो इंतज़ार नहीं किया, इससे लड़ाई झगड़ा किया, इससे लपटी लपटा हुआ दोनों के बीच में। और इसका ये कहना है शिवशंकर सेन का कि उसके गले में 25,000 रुपये जो टेंट हाउस का कोई पुराना पैसा देने के लिए रखा था, तो उसको लेके मनीष प्रजापति भाग गया। चूँकि घटना गंभीर प्रकृति की थी, तत्काल पुलिस ने उसी घटना फरियाद को सुना और अनावेदक मनीष प्रजापति को तत्काल तलाश करके उसको भी लाया गया, पूछताछ की गई, घटना की तस्दीक की गई, तो पाया जे गया कि ये सेन परिवार जो है और लाला राम प्रजापति जो मनीष प्रजापति के पिताजी हैं, इनके बीच में एक जमीन का विवाद चल पूर्व से विद्यमान है, चल रहा है, जिसमें सेन परिवार शिवशंकर सेन, आनंद कुमार सेन, बाबूलाल सेन को उस ज़मीन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसको बेदखली का आदेश हो चुका है, अवैध कब्जा होना इनका प्रमाणित पाया गया है माननीय न्यायालय में, और इनको कब्जा हटाने का कई बार प्रयास किया जा चुका है माननीय राजस्व अधिकारियों द्वारा। उसी ज़मीन को लैंड को लेके ये सेन परिवार जो है उसमें अवैध रूप से मवेशी बांधना, अतिक्रमण करना उस ज़मीन पर बदस्तूर जारी है, उसी को मना करने के लिए मनीष सेन गया था इनके पास में कि आप अपने मवेशी ऐसे विवादित जगह से आप हटा लीजिए, उस पर कब्जा मत करिए। इसी बात को लेके ये फर्जी रिपोर्ट शिवशंकर सेन द्वारा लूट की करना बताई गई, फर्जी, उसको गंभीर अपराध में फंसाने के लिए एक हरिजन आदिवासी युवक को, और जबकि मनीष प्रजापति एक हाथ से हैंडीक्राफ्ट है, एक हाथ उसका विकलांग है और वो पढ़ने वाला लिखने वाला होनहार छात्र है, वर्तमान में ITI कर रहा है। इस तरह से एक हरिजन आदिवासी को फर्जी रिपोर्ट करके गंभीर अपराध में फंसाने का पूरा प्रयास किया गया जमीन की विवाद को लेके, लिहाजा इन आनंद कुमार सेन, शिवशंकर सेन
और बाबूलाल सेन के खिलाफ कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है और लूट की रिपोर्ट इनकी फर्जी पाई गई है। अगली खबर आवल रही रीवा जिला से, जहां एक बेफे किसान उग्र आंदोलन कर रहा है और सड़क जाम कर दी थी। यह मामला करहिया मंडी के आए, जहां किसान अपने उपज का लई के बेचक खातिर करहिया मंडी पहुंचे। अब मंडी के प्रबंधन ना तौल करे से इनकार कर दी, जेके बाद किसान आक्रोशित हो गए और ट्रैक्टर टाली सड़क पर लगाए के जाम कर दी। घटना की जानकारी लगते नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला पुलिस बल के साथ मौका में पहुंचे और लोगन का समझाइश दिए। बतावा जात है कि शासन धान खरीदी खातिर ए साल नियम बदल दी सी, गोदान और अन्य खरीदी केंद्रन में धान बेचे के निर्देश दी सी, लेकिन किसान मंडी पहुंच गए रहे, जिनका तौल नहीं हो रही। ये कारण किसान उग्र आंदोलन करे का तैयार रहे हैं, जिसके बाद मौके पर तहसीलदार यतीश शुक्ला पहुंचे और किसानन का आश्वासन दिहिन, जिसके बाद मामला शांत भा है। आई देखी थे किसानन के आक्रोशन का और सुनी थे मंडी अधिकारी और नायब तहसीलदार श्री शुक्ला का कहा थे मामले का लेके। अनिल साकेत नाम है, हम लोग शनिवार को आए यहाँ, शनिवार और रविवार मंडी बंद थी, आज मंडे को मंडी चालू हुई। यहाँ सुबह से हम लोग 4 बजे से जगे हुए हैं, यहाँ न कोई अधिकारी आया न कोई आया। हम लोग गेट पर्ची भी है ये और स्लॉट बुकिंग भी है, ये है ये है ये गेट पर्ची है, स्लॉट बुकिंग है, रजिस्ट्रेशन है, ये यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों की समस्या क्या है क्या नहीं है वो आप लोग भी जानते हैं, इसलिए हम लोग रोड में खड़े हैं। आज सुबह एक बार चालू हुआ 10 मिनट के लिए, 50 ट्राली की धान नीचे उतर चुकी है और उसके बाद बंद कर दिया गया। 4 बोरी धान तौली है, आप देख जाके देख सकते हैं 4 किसानों की, उसके बाद 50 ट्राली धान नीचे ज़मीन में उतार दी गई है। अब उसको क्या किया जाए? अब अधिकारियों से क्या मांगे? अधिकारियों से मांग ये है कि जितना माल यहाँ आ चुका है उतने की तौल हो जाए, उसके बाद यहाँ लिस्ट लगा दी जाए, जो केंद्र चेंज हो गए हैं उनको वहाँ भेजा जाए, जो यहाँ केंद्र है उनको यहाँ बुलाया जाए। ये समस्या किसानों की समस्या है, लापरवाही प्रशासन की है। ये किसानों की मांगे हैं कि जो धान यहाँ पर आ गई है, वास्तव में क्या है कि मंडी का केंद्र परिवर्तन किया गया, गोदामों में खरीदी के लिए आर्डर जिला प्रशासन का हुआ है। उसमें क्या है कि किसान ये चाहते हैं कि जो माल यहाँ पर आ गया है, मंडी गेट में एंट्री हो गया है और अंदर चला गया है या गाड़ी में खड़ा है या कि नीचे गिरा दिया गया है, ये हमारा तौलबा लिया जाए, नए सिरे से कोई भी एंट्री न दी जाए, हम और लोग जो भी बचा हुआ है माल वो सब लोग गोदाम ले जाएंगे। ऐसी मांग की थी, जिला प्रशासन के तरफ से तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने निर्देशित किया है मुझे कि आप इनकी जो आ गया माल उसकी तौल कराएँ और अब आगे एंट्री बंद कर दें, जिस केंद्र में जिसको जहाँ भी गोदाम में दिया गया है किसानों को वो अपने वहाँ ले जाएं बेचने के लिए। चक्का जाम भी किया गया था? हाँ, चक्का जाम किया गया था, जिला प्रशासन आए हैं और बातचीत उनसे किए हैं, उन्होंने निर्देश जारी किया। नाम बता दिया अपना? विष्णु शुक्ला, मंडी सचिव। खबर रीवा जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र से आवल लाही, जहां शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया रहा, जेमे रचना द्विवेदी बताए कि देश के भविष्य युवकन का माना जात है, एक कारण देश प्रगति के खातिर लड़कन का सही कदम पर चलब बहुत जरूरी है। देश के संचालन आज के लड़कन के कारण होत है, वही में लड़कन के विशेष योगदान होत है। पिछले कुछ सालन में नशा लोगन का आपन आदि बनाए ली सी, जेके कारण लोग नशेड़ी बन के आपन और अपने परिवार के भविष्य बर्बाद कर रहा है। अपना पंचन का बताई दे कि आजकल के युवा गुटखा बीड़ी सिगरेट और शराब पी के खुद का शाही जीवन दे के प्रयास करत है, पर नशा से जीवन में सुधार नहीं किया जा सकता है। नशा जीवन के बर्बादी के सबसे बड़ा माध्यम है। लोगन में शिक्षा के इतना अभाव है कि लोग अपन भलाई नहीं समझ पा रहे हैं, एक कारण इस समय नशा मुक्ति योजना के माध्यम से नशा से होए वाले नुकसान से लोगन का अवगत करावा जा रहा है। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे भारत के उज्जवल भविष्य हैं, हमारे समाज के उज्जवल भविष्य हैं, तो हमारा समाज उज्जवल बनना चाहिए। हमारे देश में नशा मुक्ति, हमारी सरकारें कोई भी हो, हर जगह नशे को दुकानें खुलवा कर लोगों को नशे की लत में लाकर देश को नशेड़ी बनाकर हमारे समाज को दूषित कर अपना फ़ायदा देख रही है, इसे बंद करना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। और हमारी बहनें माताएं
जो भी हैं असुरक्षित है, कौन सुरक्षित है बताएं आप? लड़की अभी आप देख रहे हैं, अभी अभी हुआ है 35 टुकड़ों में काटा गया है श्रद्धा का सब। तो हमारी सरकार तो केवल कहती है कि बेटियों के लिए ये योजनाएं सब कुछ, कहाँ है सुरक्षित हमारी बेटियां? उनको उनका अधिकार मिले, महिलाएं सुरक्षित हों। स्वतंत्रता कहने के लिए तो बहुत पहले हर नागरिक स्वतंत्र है हमारे भारत देश में, पर महिलाओं के लिए स्वतंत्रता अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? जो पुरुष समाज के है वही करना है, यही स्वतंत्रता है महिलाओं के लिए। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे भारत सरकार में हमारे भाई बहन जो भी हैं तो नशा मुक्त हमारा देश बने, महिलाओं को महिलाओं का अधिकार मिले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम आज खातिर इतने, बघेली माँ विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।